keep the videos on. All videos will be out. Some number 19. सर सर नंबर 19 માં જે સેકન્ડ ફર્નિચર છે એના પર ડેપ્રિસિએશન નહીં લાગે ને નહીં લાગે લાસ્ટ ડેટ પર ઓન્લી ઓન ધ ફર્સ્ટ વન લેટ્સ સ્ટાર્ટ સમ નંબર 19 ફર્સ્ટ આઇટમ ઇઝ પરચેસિસ द बुक्स ऑफ अमरन अली यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं दिया है राइट पार्टनर्स नेम अमरन अली योर एंडिंग इज 31st December 16 बिजनेस इज फॉलोइंग जैन टू डिसम्बर का ईयर Start with purchases, 1,95,000 in our column. Then, return inwards, that is sales returns, so less from sales. Sales se kam kar do. Sundry debtors, that is asset. Go to asset. Are there any dots on debtors? Outstanding, unrecorded. Three dots are there, na? Three dots are there. Debtors are 50,100. पहला अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है क्योंकि यू आर सपोज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटर्स फर्स्ट ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स या फिर बीआर डिसऑनर्ड है वो सब पहले खत्म कर देना है सर दोनों फर्नीचर को क्लब करना है ना हाँ क्लब मतलब उधर ही फर्नीचर प्लस एडिशन फिर माइनस डेप्रिसिएशन दिस इज डेटर्स पे 5,000 यू ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं रॉन्ग है सेम एसेट है ना तो ऑलवेज यू हैव टू ऐड एंड शो सेम एसेट ऑलवेज यू ऐड एंड 55,100 हुआ देन लेस एफबीडी फॉर द बैड डेट्स इज 600 रुपीस सॉरी 300 रुपीस You arrive at 54,800 and on that you calculate less NRDD at the rate of 8%. What is 8% of 54,800? 4384. 4384. So outer column you get 50,416. Is that right? 50,416. That's your debtor. Three dots on debtors. Check properly. Then we have opening stock. Go back to trading debit opening stock. 25,500. Salaries are P&L debit. Two salaries. Is there any dot on salaries? Check. No dot, right? Prepaid salary. The prepaid hai kya? 500, yes. Less prepaid salaries. Zyada pay kar diya, doesn't belong to this year. 500 you subtract. Outer column it is 7,400.
एंड यू गॉट फर्नीचर, फर्नीचर का प्रेजेंटेशन देख लो जरा ध्यान से, हाउ टू प्रेजेंट फर्नीचर इन द बैलेंस शीट. पहले तो लिखना है फर्नीचर ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल फर्नीचर वो 7230, उसको इनर कॉलम में डालना है. प्लस परचेज लिखना है या एडिशंस लिखना है, और खरीदा दैट इज 1000. तो टोटल फर्नीचर इज 8230 एंड देन यू गो फॉर डेप्रिसिएशन. कम हो गया वैल्यू यूज किया तो कितने का डेप्रिसिएशन आएगा फर्नीचर पे है 10% नीचे दिया हुआ है. विल यू टेक 10% ऑफ 8230 या 7230? 7230. रीजन बीइंग दो डेट्स का अलग अलग फर्नीचर है ना. पहला वाला फर्नीचर यू हैव यूज्ड इट फॉर 12 मंथ, द सेकंड वाला यू हैव यूज्ड इट ओनली फॉर 0 मंथ, लास्ट डेट परचेज. 723 रुपीज वुड बी योर डेप्रिसिएशन. जस्ट कीप दैट इन माइंड, डोंट गाई गाई में राइट 823. एंड व्हाट इज योर फाइनल आंसर आफ्टर कॉलम? 7507, इज दैट राइट सर? बोलो सर. इसमें डायरेक्टली 8230 नहीं लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अलग अलग दिया है ना आपको, तो ऊपर भी अलग अलग दिया है तो नीचे भी अलग अलग दिखाने का. सो 8230 माइनस 723 विल गिव यू 7507, इज दैट राइट? कम अहेड मशीनरी सर. इसमें पहले डेप्रिसिएशन करके बाद में ऐड नहीं कर सकते? नहीं, रिमेम्बर द डेप्रिसिएशन टॉपिक, वी हैव डन अ चैप्टर लास्ट ईयर, ऑल परचेज ऑल सेल. लास्ट डेट भी होता था तो भी सब परचेज सेल खत्म करने के बाद वी यूज्ड टू गो फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ऑलवेज एट द एंड. ओके, तो पहले परचेज सेल खत्म करना है, फिर डेप्रिसिएशन करना है. नेक्स्ट वन इज मशीनरी. इस पे भी डॉट है ना? व्हाट इज द एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन 6%. ओ, कितना आता है ये? 312 रुपीज आ रहा है. 312 यस. इन आउटर कॉलम 4888, इज दैट राइट? And you got postage and insurance, that is P&L debit. Go to P&L debit to postage and insurance. कोई डॉट नहीं है ना? Insurance तो आउटर कॉलम 3210. Traveling expense not related to purchase or production, that's P&L debit. Then you have rent and taxes. इस पे भी कोई डॉट नहीं है तो P&L debit. Then you got bad debts. Bad debts का पूरा फॉर्मूला लिख देना. Sir, trade expense miss किया. अच्छा, trade expense भी लिख दो. Trade expense भी P&L debit ही था ना? GoSam नहीं था सम. Trade expense is 2310. Then you have bad debts. So entire formula you write down, 2BD plus FBD plus NRDD minus ORDD comes to BD is 425. FBD, NRDD, FBD we wrote just now, that was 600. NRDD was 4384. Sir, do you have any ORDD? 300. FBD is 300. Okay. NRDD is 4384. Do you have ORDD in the sum? Mm-hmm. Check. If it was there, then कहाँ पे दिखता आपको? Credit side. Credit side. वो तो है नहीं, तो nil कर दो. तो total कितना होता है? 5109. 5109.
एंड वो आरडीडी वाज नील क्योंकि लास्ट ईयर कोई एनआरडीडी क्रिएटेड नहीं था. देन वी हैव लोन टू एंथनी. वेयर डू यू पुट लोन टू एंथनी? एसेट. लोन फ्रॉम एंथनी होता तो लायबिलिटी. लोन टू एंथनी है तो डेबिट में दिखेगा, दैट्स योर एसेट. आपने किसी को लोन दिया है, ऐसा आना बाकी है. डॉट है ना, हिडन एडजस्टमेंट किया था. व्हाट वाज द डॉट? इंटरेस्ट रिसीवेबल. कितना था इंटरेस्ट रिसीवेबल? 100 रुपीज. तो 100 रुपीज ऐड कर सकते हो. अलग से दिखाया तो भी चलेगा, लोन अलग और इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग, ऐड किया तो भी चलेगा. बेटर क्या है तो ऐड करना. फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, दे आर ऑल्सो एसेट्स. नो डॉट्स आउट ऑफ कॉलम. 12,000. Prepaid insurance, just one effect because it is inside trial balance. Only assets, 520. Then you have bank balance, cash and bank balance, that will be asset, 20,631. Bills receivable are also assets. Any doubt on bills receivable? No. 35484. Drawings of Amar and Ali. Drawings will go where? So capital account debit side, because you are having only capital. That is 8,000 for Amar and 4,000 for Ali. And you go to capital. Udhar hi likhna hai, right side pe balance hai wo. Opening balance hai 20,000 and 15,000. What is return outwards? Return outward is purchase return. Ek thing, I think purchase pe ek dot tha na? Unrecorded purchase bhi tha sab. Maine karna reh gaya hai. Unrecorded purchase likh dena yahan pe. Add unrecorded purchases. Purchase pe dot tha, right? There was a dot on purchase. So outer column, now you can push 198 minus 4, 193,800. 193,800, is that right? Next. Commission, which commission is this? Commission received, so P&L credit. 3120. Creditors, where do you put creditors? Creditors are liabilities, but there is a dot on creditors. 24210 pay. Add unrecorded purchases. Add unrecorded purchases. That is 4,000. Where I have 28. Then you have outstanding wages, just one effect because in the trial balance, that is liabilities, 2020. Bills payable. Unrecorded purchase is 3,000. Achha, 3,000. So this should be 27,210. Outstanding wages are. वो भी खाली लायबिलिटीज. बिल्स पेबल पे कोई डॉट है? एनी डॉट ऑन बिल्स पेबल? नो डॉट, राइट? आउटर कॉलम. इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी वहीं पे आ जाएगा. खाली लायबिलिटीज है वो भी. 650. वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस. डिविडेंड रिसीव, वेयर डू यू राइट डिविडेंड रिसीव? डिविडेंड रिसीव्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे आपको डिविडेंड इनकम मिलेगी. डिविडेंड रिसीव्ड इज 725. यू गॉट सेल्स. सेल्स आर ट्रेडिंग क्रेडिट. 3,10,500. यू कैन पुश इट. इस पे भी है ना डॉट. अनरिकॉर्डेड सेल्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स. सेल्स में ऐड कर देना आपको. अनरिकॉर्डेड सेल्स आर 5,000. फिर आपका रिटर्न्स है 3,230. तो नेट सेल्स आपको बाहर मिल जाएगा आउटर कॉलम में. ये नेट सेल्स पे आपका लास्ट एडजस्टमेंट भी है, 1% कमीशन देना. नेट सेल्स मतलब ये बाहरी कॉलम वाला जो सेल्स मिलता है, दैट इज नेट सेल्स.
ओके, अंदर वाले को ग्रॉस सेल बोला जाता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सेल. ओके, सो आउटर कॉलम आएगा आपको 315 माइनस 3, 312,270, इज दैट राइट? 312,270. And what is general reserve? General reserve is your accumulated profit of the past. General reserve is a liability. Internal liability, that's your own profit. Okay. And closing stock was valued at 22,500, adjustment number one. But market price was 24,500. So I think we will take 22,500, the lower of the two. First effect is trading credit by closing stock. That's 22,500. Second effect is assets. Dono effect ho gaya to tick kar dena. Lower value leni hai as per conservatism. You show the lower value, your profits are decreased in advance. Next one is depreciation. One effect has been done already if you check. Less from furniture and less from machine. Okay, 312 and 723. Same second effect dena baki hai, to jao P&L debit to depreciation. Machinery, I think it was 312, and furniture it was 723. Total aata hai 935. Sorry, 1035. Total depreciation is 1035. Then there is unrecorded sales and unrecorded purchase, of which I think we have given both the effects. Unrecorded sales add to sale, unrecorded purchase add to purchase. And second effect, niche, add to creditors and add to debtors. Can you see that? Unrecorded sales and unrecorded purchase along with the problem only, both the effects are done. Jia Savla, please pay attention. FBD and NRDD, ka bhi dono effect ho gaya. One is debtors and the second one is in the formula, done. Interest on capital and interest on drawings. Pehle toh working note banana hai dono ka. Interest on capital and interest on drawings. Okay. Interest on capital pehle Amar and Ali. Capitals kitna diya hua hai aapko? 20 and 15. 20,000 pe 6% for how many months interest on capital? 12 months. Always 12 months. 1200. Because assumption hai ki capital is there in the business from the beginning till the 9 months. End of the year. Iska 900. And interest on drawings alag se karna hai aapko. Drawings of Amar and Ali are 8 and 4000. 8000 pay, that is what percent? 10%. But for how many months interest on drawing? 6 months. That is 400. 400 and 200. And 200. Barabara. Interest on capital full year, interest on drawing 6 months. Dono ka do effects baki hai. Interest on capital ka bhi do effect baki hai. Interest on drawings ka bhi do effect baki hai. Interest on capital ka pehle kar dete hai. P&L debit side. To interest on capital. This is Amar and Ali. 1200 and 900. 2100. Sorry. And second effect is capital credit side by interest on capital.
ओके 1200 and 900. Then we have interest on drawings. Interest on drawings is 400 and 200. P&L credit side by interest on drawings. That's inner column. May you write down 400 and 200, and outer column is 600. Second effect is capital debit side to interest on drawings, 400 and 200. Yes, mein alag alag. Interest on capital में अलग अलग, salary में अलग अलग, interest on drawings में अलग अलग, profit में अलग अलग. जहाँ पे आपको breakup पता है वहाँ पे अलग अलग दिखाना है. अमर अलग, अली अलग. अमर अलग, अली अलग. That's your interest on capital, interest on drawings. Then you have prepaid salary. Prepaid salary हमने एक effect दिया हुआ है, salary में से minus कर दिया है. Second effect assets, prepaid salary 500. Second effect assets, prepaid salary 500. And partners are entitled to a commission. Abhi commission to partner dena hai. Where you will put commission to partner? First effect. पहले तो gross profit calculate करेंगे. Gross profit पे नहीं देना है ये सामने. ध्यान से पढ़ो. Net sales पे देना है. Net sales तो है ना आपके पास. पिछले समय gross profit पे था, तो इसलिए gross profit calculate करना पड़ा. यहाँ पे तो net sales ready है हमारे पास. What is the net sale? 312270. 312270 का 1% कितना होता है? आई थिंक इट इज 1.22.7. इफ यू राउंड इट ऑफ इट इज 3123. यू गॉट इट? 312270 का 1%. दोनों को है, ईच है, तो 3123 6246. टोटल इज 6246. गॉट इट? 1% commission on net sales to each of the two partners, 3123 3123, and corresponding effect capital credit side, internal liability badh gayi, it's an outstanding expense by commission to partner, 3123 3123. Yahan pe aapke normal adjustment ke do effect khatam hue. Iske baad kya karna hai? Kuch karna hai ki khatam? Hidden. What is the hidden adjustment? I think there was one that was loan to Anthony. Loan to Anthony ka ek effect maine diya tha, interest receivable add to loan. Second effect, P&L credit by interest receivable. By interest receivable. Ali by interest receivable bhi likh sakte ho, by interest receivable on loan to Anthony, 100. By interest receivable 100. Interest होता तो add कर देते, नहीं है तो directly दिखा दो. Receivable 100 rupees. That completes the sum. Anyone has calculated the total of trading? 334770. Gross profit. 115470 is your gross profit. Bring it down to P&L by GP brought down. 115470. Then 120,015. 120,015. Yes. Please check. Barabar hai? Anyone else has got this? Hello. Barabar hai total 120,015. And subtract and get your net profit. 88,920. 88,920.
Anyone else? Wrong word of a bot sara cancellation. Okay, that's right. No, I have tallied. It's right. Tallied. Okay. Very good. What is the profit sharing ratio? Equal. Equal है. कुछ नहीं दिया तो equal है. I think first line पे कुछ कुछ भी नहीं दिया. कहीं पे भी नहीं दिया तो it is equal. So कितना होता है? 44 460, right? Yes. 44 462 Amma. 44 462 Ali. Transfer it to your capital account by net profit. 44 460 And total it up. 68 783 Amar and 63 483 Ali. Very good. Transfer them to your balance sheet. Liability side, partners, capital account. This is Amar Cap. This is Ali Cap. 60,383 59 283 What is the total? 119,666 and tallies on 158,546 Put the sides you check. Yes, sir. 158,546 That's your balance sheet. Next is sum number 17. Mark it important. Today is all the three sum 16, 17, 19. Seventeenth sum, Manan Patel. Following is the trial balance of Akash and Prakash. We are doing sum number 17. 17. ये हो गया सबका. 19th done. Okay. 17. From the following trial balance of Akash and Prakash as on 31st December 2015. So your ending is 31st December 15. Prepare final account. Okay. Manan Patel opening stock. TD. Trading debit. Nishant Parekh bad debts. PNL debit. PNL debit in the formula. Bad debt ka koi bhi item dikhe write down the entire formula. Gargi drawings of Akash and Prakash. Soch ke batana. Current account debit. Very good. Current account debit side. Can you see that, guys, all of you? The problem you got, you have capital as well as you have current. So, kaunsa account banana hai sum mein apne ko abhi? Current. Current. And where will you write capital? Directly liability. Without any changes. This is which method? Fixed capital method. Matlab partner ko information chahiye. उनका ओरिजिनल कैपिटल जैसा है वैसा ही दिखे और उसके ऊपर के चेंजेस अलग से भी बराबर है. सो कैपिटल अलग और करंट अलग. यस गर्गी वेरी राइट. ड्रॉइंग्स आर सीयूडी सीयूडी. ओके जशा करंट अकाउंट का बैलेंस. ओह गाइस आई गॉट डिस्कनेक्टेड बीच में. वी आर डूइंग 17 17 17 सर.
आकाश एंड प्रकाश. जस्ट शाह, वेयर विल यू राइट करंट अकाउंट का बैलेंस? क्रेडिट साइड, कैपिटल क्रेडिट. अभी यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज अ पेक्युलैरिटी. क्या अलग हो रहा है सब में, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो करंट ऑफ आकाश इज गिवन ऑन डेबिट साइड 200, लेकिन करंट ऑफ प्रकाश इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड 800. कैन यू ऑल सी दैट? तो इधर दोनों का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, एक का डेबिट है, एक का क्रेडिट है. ऐसा कैसा? हर बार तो कैपिटल तो हर बार क्रेडिट ही होता था, करंट में ऐसा कैसा हो गया? डेबिट भी है, क्रेडिट भी है. कैन यू अप्लाई सम लॉजिक एंड एक्सप्लेन दिस? एक का डेबिट बैलेंस कैसा और एक का क्रेडिट बैलेंस कैसा? He has taken some loan from the business. No, not loan. Loan or drawings. Drawings. Overdraw कर दिया है उसने. Current account में जो पैसे थे ना, समझो credit में 5000 थे, तो उसने 5200 का drawings कर लिया. ज्यादा withdraw कर लिया. Sir, ऐसा हो सकता है current के balance से ज्यादा withdraw कर सकता है क्या? Yes, you can. क्यों कर सकता है? क्योंकि capital पड़ा है ना ऊपर credit side पे extra money. दिख रहा है आपको? कैपिटल सो योर वी राइट बाय 2 एंड बाय बोथ बैलेंस. हां, 2 एंड बाय बोथ द बैलेंस. 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन इन आकाश 200 एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन प्रकाश. समझा क्यों आया डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस आने का रीजन क्या है? जब ज्यादा ड्राइंग्स हो जाते हैं, तो पिछले साल उसने ज्यादा लिया होगा, तो क्रेडिट में 5000 होगा, डेबिट में 5200 होगा. समझ रहे? तो टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह बाय बैलेंस कैरी डाउन है. डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, इट विल बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200. समझा? सो करंट अकाउंट कैन हैव बोथ द बैलेंसेस. कैपिटल में हर बार क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा, कैपिटल में कभी डेबिट बैलेंस नहीं दिखेगा, बट करंट अकाउंट में दोनों आ सकता है. अच्छा, समझने वाली बात क्या है? ओपनिंग बैलेंस तो अलग अलग आ सकता है डेबिट क्रेडिट, क्लोजिंग भी अलग अलग आ सकता है, एक का डेबिट एक का क्रेडिट. और ये सब में शायद आएगा भी, जब आएगा क्लोजिंग बैलेंस तब बताता हूँ बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है. ओके, वो भी थोड़ा लॉजिकली है, आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी कम अक्रॉस इट. पहले ओपनिंग डेबिट और ओपनिंग क्रेडिट का रीजन पता चला, एक्सेस ड्रॉइंग्स. जब ज्यादा ड्रॉइंग्स हो जाती है करंट अकाउंट के प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा, क्रेडिट में जो अमाउंट उससे ज्यादा ड्रॉइंग्स कर ली, तो पिछले साल डेबिट ज्यादा हो गए, क्रेडिट कम हो गए, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, ये साइड क्रेडिट साइड पे आएगा ना बाय बैलेंस सी, व्हिच विल बिकम टू बैलेंस बी. इट्स अ डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, इट मींस एक्सेस ड्रॉइंग्स, एक्सेस ड्रॉइंग, ज्यादा ड्रॉइंग्स हो गई. कर सकता है क्योंकि कैपिटल का पैसा उसका बिजनेस में पड़ा हुआ है. कैपिटल में कभी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, कैपिटल में क्रेडिट ही होना चाहिए. करंट में थोड़ा बहुत चलेगा, बाद में वापस प्रॉफिट आएंगे तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं. तो आकाश का इट इज डेबिट, प्रकाश का इट इज क्रेडिट. बी अलर्ट, दिस इज अ न्यू पार्ट ऑफ द सम. मशीनरी पूजन बंसाली, एसेट. वेरी गुड. राहुल ठक्कर, बिजनेस प्रीमाइसेस, एसेट. वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट. विदुषी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, परफेक्ट. मोक्ष यादव, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, सर पीएनएल डेबिट. वेरी गुड. पर्ल गाला, कोल एंड गैस, ट्रेडिंग डेबिट, परफेक्ट. रॉयल्टीज, ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड, ट्रेडिंग डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस. स्मिथ शाह, नेट परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड. व्हाट डू मीन बाय नेट परचेजेस? एक्चुअल परचेजेस, फाइनल परचेज आफ्टर रिटर्न्स एंड एवरीथिंग, आउटर कॉलम वाला. तो इधर अपने को परचेज लेस रिटर्न्स करने की जरूरत नहीं है. यश वोरा, नेट सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट. ट्रेडिंग क्रेडिट सीधा आउटर कॉलम में डाल सकते हो, रिटर्न्स लिखा है तो नील कर देना, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो आउटर कॉलम. जिया शाह, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड. रुत्वा मेहता, कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल डेबिट, परफेक्ट. प्रथम दिनोजा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड, ट्रेडिंग डेबिट, प्रोडक्शन रिलेटेड है. मेगा गोयल, एडवांस टू वर्कर्स, लायबिलिटी. एडवांस टू वर्कर्स, हमने एडवांस दिया है. एसेट, एसेट. डेबिट में है ना, अमाउंट भी देखो, चेक करो. लायबिलिटी होता तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट में है तो इट इज एसेट. एडवांस टू वर्कर मतलब इट इज लाइक प्रीपेड वेजेस. एडवांस टू वर्कर इज लाइक प्रीपेड वेजेस.
ओके एडवांस में दे दिया है बेनिफिट मिलना बाकी दैट्स योर एसेट वन इफेक्ट. जिया सावला 10% लोन टू रेखा एसेट एसेट लोन गिवन इज एसेट बराबर है. रिया पलन 9% लोन फ्रॉम अमिताभ लायबिलिटी वेरी गुड. दोनों लोन्स पे परसेंटेज है दो हिडन एडजस्टमेंट्स है ओके. पलक इन्वेस्टमेंट्स एसेट वेरी गुड. देवांश दोषी डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल क्रेडिट परफेक्ट. इनडायरेक्ट इनकम एलविन सेड सैलरीज पीएनएल डेबिट परफेक्ट. पीएनएल डेबिट. निशिशा परचेज लेजर बैलेंसेस एंड सेल्स लेजर बैलेंस ये क्या है. So it is the balance from the ledger which is brought down. No, it is a name for one of the common items. Credit as purchase ledger balances is another name for creditors, and sales ledger balances another name for debtor. Perfect. Priyansh has given it right. परचेज लेजर बैलेंसेस का मतलब होता है क्रेडिटर. सेल्स लेजर बैलेंसेस का मतलब होता है डेटर. आपको मैंने 11th में 5-6 नाम दिए थे डेटर और क्रेडिटर के. अभी भी याद रखना डेटर के और नाम याद है आपको. डेटर को और क्या कहा जाता है. ड्रॉई. हाँ अभी तो ड्रॉई बिल्स रिसीवेबल के हिसाब से ड्रॉई है बट इन जनरल डेटर होता है फिर कस्टमर होता है और बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल तो डेटर नहीं है ना वो तो. बिल्स रिसीवेबल इज अ डिफरेंट एसेट. अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल होता है और बुक डेट्स. बुक डेट्स. बुक डेट्स का मतलब भी डेटर होता है. और अभी अभी किया सेल्स लेजर बैलेंसेस. सेल्स लेजर बैलेंसेस ओके. ये सभी का मतलब होता है डेटर. ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल इसको भी डेटर बोलते हैं. ये सब का मतलब होता है डेटर्स. क्रेडिटर के भी और नाम है. क्या नाम है. क्रेडिटर कस्टमर के जगह सप्लायर. अकाउंट रिसीवेबल के जगह अकाउंट पेएबल. बुक डेट के जगह कुछ नहीं है. सेल्स लेजर बैलेंस के जगह परचेज लेजर बैलेंसेस. और ट्रेड रिसीवेबल के जगह ट्रेड पेएबल. Okay, these are names of debtor and creditor. Remember that. कभी भी आ सकता है problems में. तो यहाँ पर purchase ledger balances का मतलब क्या होता है. Creditors. और sales ledger balances का मतलब होता है debtors. Okay. Purchase वो creditor ही है. नाम अलग है. नाम दूसरा दिया हुआ है. तो creditor and debtor. Creditor are liability. Debtor are asset. ठीक है. Nishisha, tell me architect fees. PNL debit. Perfect. PNL debit. Architect office fees जो भी है. Lighting. Neer Gindra lighting. Lighting किधर जाएगा Neer. PNL debit. Very good. Kashish Sanghvi postage. PNL debit. Perfect. Kiran Shah advertisement expense. PNL debit. Perfect. Forum Malaviya, capital of Akash and Prakash. Current account credit. No. Sorry, the liability. Liability, yes. Liability. Current account में तो current account का balance लिख दिया है ना जो profit और drawings का net last year से बचा हुआ था. ये capital तो fix ही रखना है ना. Account में जाएगा ही नहीं. सीधा liability. सीधा liability LL. Without any changes. All of you clear now? Current and capital. Current होगा तो current में ही सब changes. Current का ही balance current में. Okay? Capital सीधा जाएगा liability without any change. First adjustment. Closing stock was valued at cost price 40,000. Jainam Shah, closing stock का दो effect. Trading credit and asset. Trading credit and asset. Second one, Heath Kamani, outstanding expenses are rent and salary. Outstanding rent, outstanding salary. PNL debit mein hi aayega. Add karna hai ki less? Outstanding, add. Add, and? And
सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी परफेक्ट देना बाकी है ओके बिलोंग्स टू दिस ईयर लेकिन पैसे देने बाकी है एक्सपेंस को ऐड कर दो बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड लाइबिलिटी थर्ड वन मशीनरी कॉस्टिंग 8,000 वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2015 Machinery costing 8,000 was purchased on 1st April 15. Priyansh Kapasi, what do you think? Depreciation would only be for 9 months. Would you do anything with this adjustment? Any effect? No effect. Absolutely right. Khali depreciation ke liye diya hua hai. Khali depreciation ke liye information diya hua hai. Kya unhone bola hai ye unrecorded hai? रिकॉर्डेड ही है फर्स्ट अप्रैल को आपने खरीद लिया है ओके तो रिकॉर्डेड ही होगा अनरिकॉर्डेड कब अज्यूम करने का जब दिया हो आपको पता है देते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज अनरिकॉर्डेड सेल्स गुड्स का देते हैं ना वैसे कभी कभी दे सकते हैं मशीनरी अनरिकॉर्डेड होता तो क्या दो इफेक्ट देते प्रियांश एड टू मशीनरी एंड फिर डेप्रिसिएशन 9 महीने के लिए हाँ बट दूसरा इफेक्ट अनरिकॉर्डेड है तो सेकंड इफेक्ट ऐड टू मशीनरी तो किया और ऐड टू क्रेडिटर्स वेरी गुड अज्यूम इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अज्यूम इट इज अ क्रेडिट ट्रांज जैसे अनरिकॉर्डेड गुड्स का परचेज होता है लास्ट सम में किया हमने व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेज इज नॉर्मल ऐड टू परचेज ऐड टू क्रेडिटर होता है ना वैसे ही अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ मशीनरी है तो ऐड टू मशीनरी एंड ऐड टू क्रेडिटर is on credit got it lekin yahan par dhyan se dekhna students do this mistakes many time wo log isko unrecorded samajh ke do effect de dete hain galat hai kahin par bhi diya hai is it unrecorded anywhere it is given underline that adjustment third one underline why I am telling you to underline because wo adjustment hai hi nahi uske do effect kuch dene hi nahi hai tumko it is just a piece of information अनरिकॉर्डेड नहीं है ना अनरिकॉर्डेड होता तो हम दो इफेक्ट देते ऐड टू मशीन ऐड टू क्रेडिट अनरिकॉर्डेड नहीं है जैसे मैं आपको बताता हूं अभी हम लोग नेक्स्ट सम करने वाले हैं ऊपर वाला सम देखो 16th सम देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो 16th सम का उसके ऊपर वाले सम का एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो सब लोग अ न्यू मशीनरी ऑफ 15,000 वाज परचेज ऑन 1st October 16 विच वॉज अनरिकॉर्डेड फरक समझ पाया अनरिकॉर्डेड है तो दो इफेक्ट देने का व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऐड टू मशीन ऐड टू क्रेडिट तो 16 सम में देना पड़ेगा बट ये वाले सम में कहीं पे भी दिया अनरिकॉर्डेड नो मतलब इट इज रिकॉर्ड मतलब इट इज रिकॉर्डेड तो काय के लिए दिया ये इसका मतलब क्या है 1st April 15 का डेट क्यों दिया आपने व्हाट इज द यूज फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द 9 तो आपका जो मशीनरी दिख रहा है ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन टॉप इन योर ट्रायल बैलेंस 20,000 इस 20,000 के अंदर दो मशीन है एक 12,000 का है एक 8,000 का है सर कैसा पता चला अरे दिया हुआ है 8,000 का मशीन आपने 1st April को लिया है इज इट अनरिकॉर्डेड नो इसके अंदर ही पड़ा है ना मतलब रिकॉर्ड तो हो चुका है ऊपर तो दो मशीन है एक 12 का एक 8 का है 8 वाला आपने 1st April को खरीदा है 1st April 15 को 12 वाले के बारे में कुछ नहीं दिया तो वो तो शुरुआत से आया होगा अब जब डेप्रिसिएशन करोगे तब 12,000 वाले पे कितना करोगे 8,000 वाले पे 9 मंथ्स और 12,000 वाले पे 12 मंथ समझा क्यों 12,000 वाला तो शुरुआत से ही है उसमें कुछ डेट वेट नहीं दिया है 8,000 वाला कब आया है 1st April को आया है सो फ्रॉम 1st April टू 31st December कितना महीना होता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर स्मित शाह को समझ रहे हैं स्मित शाह आर यू अंडरस्टैंडिंग 9 मंथ्स दोनों पे अलग अलग करना है डेप्रिसिएशन 12,000 वाले पे 12 महीना 8,000 वाले पे 9 महीना तो एक्चुअली द थर्ड पॉइंट इज नॉट एन एडजस्टमेंट इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन It is a piece of information. Did you understand? All of you got this? Hello. Adjustment के दो effect कब देने हैं? 16th वाले सम में दिया है आपको unrecorded. Unrecorded दिया है ना तो दो effect देने का. Add to machine, add to creditor.
अनरिकॉर्डेड नहीं दिया है तो खाली टुकड़ा करके डेप्रिशिएट करना का, जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड डेप्रिशिएट इट. वेरी हिट एडजस्टमेंट, दैट्स व्हाई टोल्ड यू टू मार्क अ स्टार. ओके, उसका सेकंड एडजस्टमेंट, इसका थर्ड, 16 का सेकंड और 17 का थर्ड, दोनों को अंडरलाइन करके रखना. वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. अनरिकॉर्डेड दिया है तो ही दो इफेक्ट, नहीं दिया है तो ब्रेकअप है, वो खाली डेप्रिसिएशन. फोर्थ वन रिया पलन टेल मी, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड बिजनेस प्रीमाइसेस, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? पीएनएल डेबिट एंड एसेट्स में माइनस. पीएनएल डेबिट एंड एसेट्स में से माइनस, वेरी गुड. फिफ्थ वन स्मिथ शाह, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर पेड फॉर वन ईयर एंडेड ऑन 30th जून. कैसा करने का ये याद है आपको? इंश्योरेंस में आता था पेड टिल 30th ऑफ जून, शॉर्टकट बताया था. हाउ टू टैकल दिस सर? बोलो, 6 months would be prepaid, absolutely right. 6 months would be prepaid. कैसे पता चला 6 months? Year ended is December and we have paid it till June. Next July. June. We have paid it till 1st July. मतलब June, 30th June, right? So, याद है shortcut, अपना year end और expense का year end, इन दोनों को compare करो. Insurance में किया था ना दो बार, वैसे ये advertisement का है. नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो ये. Advertisement आपने कब से कब तक का pay किया है? 1st July 14 से लेके 30th June 15 तक का pay कर. लेकिन अपना साल किधर खत्म हो रहा है? अपना साल एडवर्टाइजमेंट आपने 1st July 15 से लेके 30th June 16 तक का पे कर दिया, बट आपका साल किधर खत्म हो रहा है बीच में? 31st December 15. 6 महीने का ही पे करना था, आपने 12 महीने का कर दिया ना. You had supposed to pay for 6 months till year end. यहाँ पे year end आ गया, लेकिन आपने तो कितना कर दिया? 12 महीने का pay कर दिया. ऊपर देखो advertisement का amount कितना दिया हुआ है. What is the amount of advertisement? 1200. This 1200 is for how many months? 12 months. Which 12 months? 1/7/15 से 30th June 16. Insurance का करते थे ना, वैसे ही advertisement 12 महीने का pay किया, year ended. करना था 6 महीने का, कर दिया 12 महीने का. यू गॉट इट? सो व्हाट अबाउट दोस 6 months एक्स्ट्रा? दैट इज, ये जो 6 महीने का एक्स्ट्रा है नेक्स्ट ईयर का, ये क्या है? प्रीपेड. 6 महीने का कितना होगा? 600 रुपया. दैट 600 इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. यू गॉट इट? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट साइड एंड पीएल PNL debit. वेरी गुड. करंट क्रेडिट PNL debit. परफेक्ट. करंट है तो करंट में डाल दो. कशिश संघवी सैलरी देनी है. आकाश 500 पर मंथ, प्रकाश 400 पर मंथ. PNL debit and current account credit. PNL debit, current account credit. लास्ट लाइन पढ़ो ध्यान से सब लोग. Profits and losses are shared by partners in the proportion of the capital. What are the capitals? What are the capitals? 30 and 20. So what's your profit sharing ratio? 3:2. It's not 1:1, it's 3:2. Okay. Are there any hidden adjustments? 10% loan. I want you all to make a working note. Come on. Main bhi bana raha hu, aap bhi banao, khud se banao, try karo. Sir, pehla, this machinery can be a hidden expense. Machinery. This machinery is not exactly hidden. You have to just do the depreciation. You can show it as a working note. It's fine. दिखाने का तो दिखा सकते. ओके, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना के भी दे. इज वर्किंग नोट कंपलसरी? नो, दिस इज ऑल फॉर दैट फुल मार्क्स 100 ऑन 100 व्हेन यू आर गेटिंग ऑल दीस थिंग्स फॉर पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. सब वर्किंग नोट्स उसमें एक आधो छूट भी गया तो इंपॉर्टेंट, मार्क्स कटेगा नहीं, डोंट वरी. जितना हो सके उतना बताओ हिडन एडजस्टमेंट. 10%
loan to Rekha. That is 1,000 rupees. What is the date of loan? 31st March. कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन रेखा. दैट वुड बी 1,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स. अप्रैल में जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर. 9 महीने का इंटरेस्ट होगा बराबर है. दैट इज 75 रुपीज. लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड. हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट? हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट? नो. So that means pura ka pura 75 is receivable. Interest receivable. Interest receivable. Barabar. This is your loan to Rekha wala. Same cheez. Calculate, check, compare. Calculate, check, compare. Third one is 9% loan from Amitabh. 9% loan from Amitabh. ये वाला कब लिया है आपने? 1/10/15 को लिया हुआ है और आपका अमाउंट है 15,000. फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन कितने टाइम का करना है? 15,000 पे 9% फॉर हाउ मेनी मंथ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर. होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट. तीन ही महीने का लोन लिया तो तीन ही महीने का इंटरेस्ट करो कैलकुलेट. 15,000 पे 9% फॉर 3 मंथ्स आएगा. आई थिंक हाउ मच इट इज पॉइंट में आ रहा है ना? पॉइंट में आएगा 1350 divided 337.5 correct. 338 rounded off to 338. Then you check which side of trial balance will you check for this? Debit. Debit side. वो loan from Rekha के लिए कौन सा check करने का side? Loan from loan to Rekha का रहेगा. Loan to Rekha का interest के लिए which side you have to check? Credit side. क्योंकि वो income है. Loan from हम लोग ने पे किया होगा ना, तो डेबिट साइड पे चेक करो. हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? नो. तो पूरा का पूरा 338 इज व्हाट? पूरा का पूरा 338 इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी. ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी. दोनों समझा? हमने दोनों किया हुआ है. ये सब में दोनों साथ में आया. एक लोन गिवन है, एक लोन टेकन है. लोन टेकन पे इंटरेस्ट पेएबल, लोन गिवन पे इंटरेस्ट रिसीवेबल. गिव द डॉट्स क्विकली. मशीनरी 1 डॉट, रेंट 1 डॉट, सैलरी 1 डॉट, प्रीमाइसिस 1 डॉट. मशीनरी, रेंट, सैलरी, प्रीमाइसिस, एडवर्टाइजमेंट. मशीनरी, रेंट, सैलरी, प्रीमाइसिस, एडवर्टाइजमेंट 1-1 डॉट. Machinery, rent, premises, advertisement, salary, 1-1 dot. And loan from Amitabh and loan to Rekha. Loan from Amitabh and loan to Rekha, 1-1 dot. Loan from Amitabh and loan to Rekha, 1-1 dot. Come on, saath mein karte jao. One more sum after this, so be quick. Opening stock. This is in the books of Akash and Prakash. Your ending is 31st December 15. So can you repeat where will manufacturing expenses go? You tell me, apply logic. You know it. Trading debit. Yes. Why? Purchase and reduction related. Bas, simple. Sir, idhar returns nahi likhenge to chalega na. हाँ एक्चुअली मैंने लिख दिया गाय गाय में. नहीं लिखोगे तो चलेगा. बाय डायरेक्टली नेट परचेज और नेट सेल्स दिया. एब्सोल्युटली लिखा है तो नील कर देना. नो प्रॉब्लम. लेट्स बिगिन. ओपनिंग स्टॉक. एनी डाउट टिल नाउ? पोस्टिंग एडजस्टमेंट एनीवन? ऑल एडजस्टमेंट्स क्लियर? इंपॉर्टेंट वाला क्या था? करंट अकाउंट का डिफरेंट बैलेंस था सम में एंड मशीनरी वाला है. वो अनरिकॉर्डेड नहीं है. ओके okay? तो खाली डेप्रिसिएशन का पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है.
ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट 5000 आउटर कॉलम बैड डेट, बैड डेट का पूरा फॉर्मूला ही लिख दो. तो बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी. बैड डेट्स आर 700. Drawings of Akash and Prakash. Where do you write drawings? Current account. अब इधर है ना, काफी स्टूडेंट का ये एक सिली मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है. ये देखो, ये आकाश, ये प्रकाश, ये आकाश, ये प्रकाश. Especially ये सिचुएशन में सिली मिस्टेक होता है. आप लोग ड्रॉइंग्स पहले लाइन पे लिख देते हो, यहाँ पे ड्रॉइंग सेकेंड लाइन पे लिखना है. क्यों? एक का डेबिट बैलेंस है ना और दूसरे का क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस पहले लाइन पे आना चाहिए. तो पहले लाइन पे आएगा टू बैलेंस बीडी. वो जो नीचे दिया है करंट अकाउंट का, आकाश का डेबिट बैलेंस है 200 और प्रकाश का क्रेडिट बैलेंस है 800. तो एक का डेबिट, एक का क्रेडिट. Got it? Drawings are, I think, 1 minute. Drawings are, 500 and 1000. समझाइए. Public कभी कभी घाई घाई में drawings लिख देता है और फिर balance लिखता है, तो ये avoid करना. Opening balance है ना, first line पे आना चाहिए. और ये debit और credit आने का reason समझा? Credit तो हर बार आता ही है, credit ही होगा mostly, क्योंकि profits होते हैं ज्यादा, credit side बड़ा होता है. डेबिट बैलेंस क्यों आया? एक्सेस विड्रॉवल कर लिया उसने पिछले साल में, एक्सेस ड्रॉइंग्स कर लिया, इसलिए डेबिट बड़ा हो गया, क्रेडिट छोटा हो गया, बाय बैलेंस सीडी का हो गया, टू बैलेंस बी. गॉट इट? बाय बैलेंस कैरिड डाउन का हो गया, टू बैलेंस प्रॉफिट. तो करंट अकाउंट में दोनों बैलेंस दिख सकते हैं, कैपिटल में हर बार क्रेडिट ही होगा. फिर जाते हैं मशीनरी पे. मशीनरी लिख देना है, मशीनरी लिख देना है. एसेट्स में मशीनरी, मुझे सोच के बताओ, 20,000 का मशीनरी पे ऐड करना है वो 8,000 उसके अंदर पड़ा हुआ है. It's included. So just do depreciation. What is the rate of depreciation on machine? Check. 10%. 10% कैसे करना है? Will you do it पूरा 20,000 पे डायरेक्टली 10%? इसके अंदर दो मशीन्स है, एक 12,000 का है, दूसरा 8,000 का है. तो 12,000 वाले पे 10% फॉर फुल ईयर, क्योंकि वो तो शुरू से आया था, 1200 रुपया. और 8,000 वाले पे 10% फॉर 9 months. Why 9 months? Purchased on 1st April. So that's why 9 months. That was the piece of information given in the interest. Got it? डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख सकते, तो भी चलेगा. डेप्रिसिएशन इट्स फाइन इवन इफ यू डोंट मेक इट. दिस इज 600 एंड दिस इज 1200, टोटल इज 1800, आउटर कॉलम इट इज 18200. बराबर है? इज दिस क्लियर? Got it? Piece of info tha, unrecorded nahi tha, just a breakup for depreciation. Next is business premises. Business premises are asset, fixed asset. Uspe kitna taka hai depreciation? 12.5. Yaad hai aapko shortcut bataya tha 12.5 ka? 1/8. Yes. Kitna hota hai ye? 3000. Yeah, aapka kaam easy ho jayega. 12.5% is 1 upon 8. Simply divide by 8. Rent, rates and taxes jayenge aapke P&L debit mein. To rent, rates, taxes. That is 1200. No dot, right? Repairs and... The rent mein dot hai. Sir, there's a dot. Hey, 1 minute. What is a dot? Outstanding rent. Outstanding rent, okay. Add outstanding rent 300. Outer column 1500. Then repairs and renewals jao P&L mein
through repairs and renewals. P&L debit, that is 1800 outer column, no dot. But even if the SPD NR is going to reduce, no, we have to write. Ah, write the formula, na. Baki nil kar dena item. Make the other item zero, nil. VA sum, I don't think so there is any FBD, NRDD, ORDD, hai kuch? No, sir. Nahi, sir, nahi. सबको nil कर दो और आउटर कॉलम में लिख दो टू बैड डेट्स का तो भी चलेगा चलेगा ये सब में चलेगा डायरेक्टली टू बैड डेट्स आउटर कॉलम भी चलेगा बाकी तीन आइटम्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा इट्स फाइन अगर लिख दिया है तो nil कर दो जस्ट लाइक रिटर्न्स इट इज इफ यू हैव रिटर्न जस्ट मेक देम nil रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स आर 1800 देन यू गॉट कोल एंड गैस वेयर डू पुट कोल एंड गैस Trading debit 2300 outer column. Royalties are trading debit. Direct expense 500 outer column. Then net purchases है अगर आपने returns लिख लिया है by chance तो ऐसे दिखाना 30,000 returns nil outer column 30,000 okay या फिर directly to net purchase outer column. नेट मतलब आउटर कॉलम वाला ही है सेल्स में भी इधर 50,000 नील आउटर कॉलम ओके कैरेज इनवर्ड इज आल्सो ट्रेडिंग डेबिट कैरेज इनवर्ड इज ट्रेडिंग डेबिट 2,000 रुपीस नो डॉट कैरेज आउटवर्ड इज पीएनएल डेबिट कैरेज आउटवर्ड इज पीएनएल डेबिट That is 1800. Carriage inward kitna tha? 2000. Bara. Then manufacturing expenses. Where do you put manufacturing expenses? That is trading debit. 1900. Advance to workers. Where do you put advance to workers? Asset. Advance to worker is like prepaid wages, prepaid expense. It's asset. किसी को भी advance देते हो तो आपका asset है. पैसा या benefit मिलना बाकी. किसी से लेते हो तो liability. 10% loan to Rekha, उधर ही लिख दो उस पर डॉट है 10% loan to Rekha, what is the dot? Add interest receivable. कितना interest receivable? Note में चेक करो 9% loan. Sir, what about bonus? If you are paying bonus. Bonus is like salary expense, indirect expense. Diwali bonus you give na sometime the Shara bonus, Diwali bonus. That's your expense. Salary ke jaisa, P&L debit. Okay. 9% loan from Amitabh. That's your liability. 15,000. Uspe bhi dot hai. What is the dot? You have outstanding interest. Hidden adjustment tha. Humne calculate kiya. Outstanding interest on loan. 337.5 आ रहा था हमने राउंड ऑफ करके 338 कर लिया 9 3 मंथ्स का इंटरेस्ट तो 15,338 बराबर है 15,338 देन यू गॉट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट दैट इज 9,000 5,000 इन्वेस्टमेंट्स 5,000. Investments are 5,000. Mm. Investments are asset. Debit wala balance. Debit wala investment. Asset. Interest on investment dividend on investment kaha jayega? P&L credit. So buy dividend on investment. That is income. Receivable nahi hai. Received. P&L credit side 500.
salaries are P&L debit. That is 9,000. उसपे भी डॉट है ना सैलरी पे. What is the dot? Outstanding. Outstanding salary you add. How much? 1,000. Outer column it is 10,000. Then you got purchase ledger balances and sales ledger balances. What are purchase ledger balances? Liability. It means creditor. Okay, it means creditor. Confuse mat hona. Purchase ledger balance matlab creditor hota hai. Aur to isme hum log directly creditor na likh sakte ho. Yes, better hai ki jo question mein diya hai agar aap wo likho. Baki aap debtor creditor bhi likh sakte ho. No problem. Okay, 15,000. No dot, right? Purchase ledger balance, sales ledger balance, debtor creditor. Architect fees aap P&L debit. Indirect expense not related to purchase or production. Architect fees is 600. Lighting is also P&L. What about heating and lighting? Trading. Heating and lighting hota to trading. Lighting and heating hota to P&L. Lighting hai to P&L. Lighting means electricity basically. Postage is also P&L debit 400. एडवर्टाइजमेंट पे डॉट है ना. एडवर्टाइजमेंट पे क्या डॉट है चेक करो. प्रीपेड. समझा प्रीपेड का ईयर एंडिंग का कंसेप्ट. सबको करना था 31st December तक. कर दिया नेक्स्ट ईयर के 30th June तक. तो 6 महीना एक्स्ट्रा था. 6 महीने का कितना होता है 12 महीने का 1200. तो 6 महीने का 600 रुपया प्रीपेड. इज इट क्लियर. Then we have capital. Since you are having current account, so where will you write capitals? Directly liability. Akash cap 40,000 and Prakash cap 20,000. That makes it 50,000. No change in the liability capital as it is. And we go to the adjustment. Closing stock, both the effects are left. What are the two effects of closing stock? First effect, trading credit by closing stock. Trading credit, purchase se less karne ke badle trading credit. Second effect is asset. Closing stock, 40,000. Trading credit and assets, first effect and second effect done. Tick. Outstanding rent and salary, ek effect ho chuka. Add to rent, add to salary. Second effect. Abhi de do outstanding rent liability 300. Outstanding salary liability 1000. First effect was done. Second effect we gave it right now. Barabara. Next is machinery costing 8,000 was purchased. That was just a piece of information for depreciation. So depreciation ka ek effect ho chuka hai. Humne less kar diya respective assets se. Second effect dal do P&L debit to depreciation. That is on machinery. 1800 and premises 4,800. Depreciation ka bhi do effect ho gaya. Advertisement expense were prepaid. Advertisement expense were prepaid. So less from advertisement ho gaya ek effect. Second effect assets mein jao. Prepaid advertisement 600 rupiah. Take it out. फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. मेक अ वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये वर्किंग नोट 1, 2, 3 और ये वर्किंग नोट 4 में यहाँ पे बना रहा हूँ.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आकाश ये प्रकाश, कितने टाइम का करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 कैपिटल, 12 मंथ्स कैपिटल इज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 12 मंथ्स ऑलवेज नॉर्मल अजम्पशन, एंड 20,000 पे 10% फॉर 12 मंथ्स 2000, 3000 फॉर आकाश, 2000 फॉर प्रकाश, दोनों इफेक्ट बाकी है. फर्स्ट इफेक्ट जाओ पीएनएल में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आकाश 3000, प्रकाश 2000, आउटर कॉलम 5000, एंड सेकेंड इफेक्ट current account credit side by interest on capital 3000 for Akash 2000 for Prakash. Business ka expense, partner ka gain, Rahul Thakkar, please pay attention, dhyan do, you are the only student who has failed in bills of exchange test in entire 81 people. Rahul Thakkar sir, record ho raha hai. मालूम है, तो प्लीज पे अटेंशन सर, ही हैज गिवन विद टोटल ऑनेस्ट, ही हैजंट कॉपीड, दैट्स व्हाई. बाकी लोग ने सबने कॉपी किया है सर, क्या मालूम तुमने कॉपी किया है? नहीं सर, क्योंकि मैंने थोड़ा किया है वो, तो हाँ एक दो एंट्री में बोल सकता ना कि so you have got 37, so that means if you would have not copied then you should have also failed. So 13 marks he has scored, 13 out of 40, that is very less. चलो next one. Come to interest on capital, P&L debit and capital credit. Barabara. Then salary to partner. Salary to partner. Go to P&L debit again. To salary to partner. To salary to partner. This is Akash, Prakash. We do write the same salary. Multiplied by 12. Multiplied by 12. 500 for Akash, 400 per month diya. PM is 400 per month, 500 per month. So 500 into 12, that is 6,000. And 400 into 12, that is 4,800. So totally it comes to 10,800. Barabar hai? Is that right? Second effect, kidhar jayega? Current account credit side by salary to partner. This is 6,000 and 4,000. Sir, afternoon mein free rehna na. Aaj BK ka test hai college. Sir, aaj Mitti bhai ka exam hai, to help kar. Main mera continue lecture hai bhai, 4 baje tak aaye. Tumhare baad se. Ko reply de de. Tum kar dena sir. किसी एक को भी चलेगा रिप्लाई, हम सबका सेम पेपर है. सर आप मीटिंग आईडी पासवर्ड दे दो, हम लोग आ जाएंगे मीटिंग. अरे मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम ही रहेगा ना, लेक्चर है मेरा, मैं एडमिट नहीं करेगा तुमको. अरे सर ले लेना डिस्टर्ब. अरे लिखो बाबा, कितने बजे टेस्ट? कितने बजे? 2 बजे. देखते हैं, पहले अटेम्प्ट तो करो, तुमको आ जाएगा, नहीं आएगा तो पूछना. नहीं आएगा सर, बकवास पेपर देते हैं वो लोग, मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, गंदा वाला कंफ्यूज कर देते हैं, आते हैं वो भी भूल जाते हैं. देता है सर. ओके ओके ओके, विल सी, बट मीटिंग में नहीं लूंगा, मीटिंग में मेरा लेक्चर होगा, सीए का लेक्चर. बट यू पिक अप द कॉल, जस्ट सी आंसर वन टेक्स्ट, समबडी विल सेंड. हां वही, समबडी विल सेंड इन द कॉल. कॉलिंग मेरा इधर रहेगा मोबाइल, इधर समटाइम्स देयर इज नेटवर्क, समटाइम्स देयर इज नो नेटवर्क.
WhatsApp online rehna. We'll send screenshots. WhatsApp. Chalo. Next one is hidden adjustment. Once you have done normal adjustments, move to hidden ones. Hidden ones में क्या दिया देखो दो था हमारे पास loan to Rekha and loan from Amitabh. Can you all see that? One minute. So loan to Rekha का क्या था interest receivable था एक तो add to Rekha's loan हो चुका है second effect is PNL credit ये वाला बाकी है interest receivable by interest receivable that is how much 75 Rekha wala okay PNL credit and add to asset receivable income and loan from Amitabh ka dena baki tha to loan ko add kiya dusra wala to outstanding interest on loan from Amitabh लोन में ऐड किया हुआ है पीएनएल डेबिट में भी इंटरेस्ट होता तो ऐड करते नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 330 आई थिंक नाउ वी हैव गिवन बोथ द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स या व्हाट वाज द डाउट गर्गी करो टैली सो इंस्टेड ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस कैन वी राइट डेटर्स यस यू कैन सेल्स लेजर बैलेंस की जगह डेटर परचेस लेजर बैलेंस की जगह क्रेडिटर ओके Okay, sir. Anyone has got the total is simple, na 90,000. Anyone has got the gross profit? 57,300. I'm getting 48,300. Third. किसी का tally हुआ है? 40. Anyone has tallied? Come on, tally it. What? नहीं वन मोर टोल्ड यू थ्री सम्स 16th वन करना है इसके बाद एनीवन हैज गॉट जीपी कुछ तो आ रहा है 48 इधर ये आई एम गेटिंग 48,300 बराबर है 48,300 टोटल ऑफ डेबिट साइड वुड बी 41,700 48,300 इज जीपी राइट यस 39,738 इज द नो सॉरी 48,300 पहले जीपी मिला सबको 48,875 पीएनएल का टोटल 48,875 पीएनएल का टोटल सर आई एम गेटिंग 480 सर 875 सर 48,875 इज पीएनएल का टोटल गेट योर नेट प्रॉफिट सर 9137 9137 that's your net profit yes anyone else check please 9137 aa raha hai credit minus debit Yes. 9137. Very good. Current account में डालना है क्योंकि current account है. What is the breakup? So Akash gets 5482 and Prakash gets 3655. 5482 and 3655. Both are on time. So I've rounded up. हाँ हाँ. 5482-3655. Please check. By net profit.
5, 4, 8, 2, 3, 6, 5, 5. Divide it in 3:2. 3:2 is your PSR. Total 14,482. Credit bada hai na? Dono mein, haan. And 11,255. 14,482, 11,255. Balance 13,782 and 10,255. गेट इट डाउन. जैसे कैपिटल का भी करंट का जाएगा, कैपिटल के नीचे ही इन योर बैलेंस शीट. इधर लिखना है पार्टनर्स करंट. एरो एरो मत मारना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आकाश करंट, प्रकाश करंट 13,782, 10,255. व्हाट इज द टोटल? This is 24,037. 24,037 and tallies on. So that is remaining. 50, 65, 78, 79, 80, 104. 1,04,375, I think so. 18 plus 20, 39, 42, 7, 43, 7, 48, 7, 8, 63, 103, 7, 100, 104, 375, yes, perfect, 104, 375, tallies on 104, 375. Sir, show the PNL account. What? PNL account. नहीं नहीं एक मैं बीच में कुछ और बोल रहा है कोई. अच्छा तेरे घर से आवाज आ रहा है. सर ट्रेडिंग अकाउंट दिखाने. Keep revising bills of exchange also. जैसे final accounts खत्म होगा, final accounts का test होगा और फटाफट bills of exchange और final account का combined test भी होगा. दो test होगा जैसे final account खत्म होंगे. Keep revising. तो balance sheet दिखाओ. कम आ रहा है, मिस्टेक देखो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो. दैट इज द ओनली वे आउट. ओके एवरी टेस्ट ट्राई टू इंप्रूव. कॉपी वॉपी करो मत, थोड़ा भी मत करो. थोड़ा कर रहा है वो भी यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बेटर यूटिलाइज इट, थिंक ऑफ द बोर्ड्स. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन है डिसॉल्यूशन करके एक चैप्टर. Dissolution, actually there are four chapters, उसमें से कोई भी दो आ सकता है. ऐसा है bills of exchange, dissolution, admission, retirement. इन चार में से कोई भी दो, जब चार आएंगे उसमें से दो अटेम्प्ट कर. bills of exchange, dissolution, admission, retirement. Yeah, ये done.
दिस इज योर पीएनएल. फाइनल अकाउंट में कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन, 12 मार्क्स, नो चॉइस इन फाइनल अकाउंट. कम टू सम नंबर 16, ऑल ऑफ यू, सम नंबर 16 प्लीज मार्क इट डाउन. पूरम मालविया, अजीत एंड सुजीत शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3. नाउ इट इज नॉट 3:2, इट इज 2:3, 2/5 एंड 3/5. Trial balance is given to you. Ajit, Sujit, Forum Malaviya, what do you think? Liability. Very good. Because current account diya hua hai na? Just like this sum. The capital will go to liability. Nishant Parekh, current account? Current account credit side. Dono ka? नहीं, डेबिट साइड. एक का डेबिट है, एक का क्रेडिट है, ध्यान से देखो. अजीत का डेबिट है, सुजीत का क्रेडिट है. कैन यू ऑल सी दैट? हेलो, दिस इज ओनली द डिफरेंट पार्ट फॉर टुडेज लेक्चर, मेनली करंट अकाउंट एंड दैट मशीनरी स्टफ. आर यू गेटिंग दिस? करंट अकाउंट का जरूरी नहीं हर बार क्रेडिट बैलेंस हो. ट्रायल बैलेंस चेक करो, एक का डेबिट एक का. वो डेबिट बैलेंस आया कहां से? सुजीत का, अजीत का? Excess drawings. Last year में excess drawings कर लिया होगा, debit बढ़ गया, credit छोटा है, buy balance carried down, became two balance brought down. Got it? Debit में ज़्यादा drawings हो गया उसका last year. हो सकता है capital में debit नहीं होगा, current में debit हो सकता है. Okay? तो next profit आके वापस credit होने ही वाला है आगे जाके. एक हाथ दो साल, एक हाथ साल रह सकता है, उसके बाद वापस credit होने ही वाला है. Tension वाली बात नहीं है. तो करंट अकाउंट डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट, सीयूडी एंड सीयूसी, उधर लिखना है बैलेंस. अजीत का सीयूडी एंड सुजीत का सीयूसी. अजीत इज करंट डेबिट, सुजीत इज करंट क्रेडिट. देन गर्गी, स्टॉक ऑन 1/1/16, फर्स्ट जैन 16, विच स्टॉक? इट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस. हां, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट. ट्रेडिंग डेबिट. राहुल ठक्कर, सन्ड्री डेटर्स, assets, perfect. Just sharp, sundry creditors, liabilities, purchases, Elvin Seth, trading debit. Vidushi, RDD, which RDD is that? So RDD, NRDD or wo sab karne ke baad reduce karenge, minus ORDD. हाँ, formula में से minus, to BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. Ansh Mehta, factory rent, profit and loss. अरे फैक्ट्री दिखे ना, मतलब तो आंख बंद करके. अंधभक्त, बीजेपी वाला अंधभक्त, सब लोग नहीं है बट भक्त बन जाने का. ओके, फैक्ट्री रेंट मिला मतलब ट्रेडिंग डेबिट. इज इट क्लियर? फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब ट्रेडिंग डेबिट. आई एम नॉट एंटी बीजेपी, नहीं तो बोल देगा मेरे को पकड़ के कुछ. सेल्स, स्मिथ शाह, स्मिथ शाह सेल्स, स्मिथ शाह स्लेप्ट आई थिंक, है ना स्मिथ शाह? आर यू अवेक? टाटा. नेक्स्ट यश वोरा, टेल मी सेल्स. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. जिया शाह, वेजेस. रुत्वा मेहता, डिस्काउंट. डिस्काउंट, विच डिस्काउंट इज दैट? ध्यान से पढ़ के बताना. डिस्काउंट रिसीव्ड. कैसे पता चला डिस्काउंट रिसीव्ड है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, दिखा सबको. तो क्रेडिट में दिया हुआ अमाउंट, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. किधर जाएगा? क्रेडिट, ईएनएल क्रेडिट. सो बी अलर्ट, खाली डिस्काउंट दे दिया तो अमाउंट चेक करने का कौन से साइट पे. पूजन बंसाली, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, एसेट्स. मेगा गोयल, ऑफिस एक्सपेंसेस. सर पीएनएल डेबिट. वेरी गुड. प्रियांश कपासी, टेल मी लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स. नीर गिंद्रा, मशीनरी, एसेट. एसेट. हित कमानी, एडवर्टाइजमेंट. वेरी गुड. जैनम शाह, बैड डेट. वेरी गुड. निशी शाह, कैश एट बैंक. पलक सदरा, ड्रॉइंग्स.
करंट अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स खाली सुजीत का दिया है, ध्यान दे रहे हो आप? अजीत का कोई ड्रॉइंग्स ही नहीं है, खाली सुजीत का है. ठीक है, खाली सुजीत में लिखेंगे. प्रियांश डेडिया 12% बैंक लोन. बैंक लोन किधर जाएगा? लायबिलिटी. एंड 12% इंडिकेट्स हिडन एडजस्टमेंट. विल डू एन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट करेंगे उसका, सर्कल कर लो. देवांश दोषी कैरेज इनवर्ड. सो ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड. रिया पलन कैरेज ऑन सेल्स. पीएनएल डेबिट. वेरी गुड. किरण शाह मोटर कार. एसेट. एसेट. प्रथम दिनोजा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 16600. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. वेरी गुड. TC/A ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. नेक्स्ट वन मनन पटेल. अ न्यू मशीनरी ऑफ 15,000 वाज परचेज्ड ऑन 1st October 16, व्हिच वाज अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ मशीन. Add to purchase and machinery. Add to. Nice. Unrecorded, है ना sir? Sorry. But... machinery and credit. हाँ, machinery and credit. Purchase से क्या लेना देना है? Purchase में किसका purchase दिखता है? Goods. Goods का. अभी goods थोड़ी unrecorded है. क्या unrecorded है? पढ़ो. Machinery. What is unrecorded purchase of machinery है ना? What is the entry of machinery purchase on credit? मशीनरी टू क्रेडिटर. वही तो एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो मशीनरी में ऐड और क्रेडिटर में ऐड. गॉट इट? तो ऐड टू मशीन, ऐड टू. अजम्पशन क्या है कि क्रेडिट परचेज ही अज्यूम करने का, कैश परचेज. गुड्स है तो भी क्रेडिट, मशीन है तो भी क्रेडिट. अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ फर्नीचर होता तो ऐड टू फर्नीचर एंड ऐड टू क्रेडिटर. लास्ट सम में और ये सम में फर्क समझा आपको? लास्ट सम में अनरिकॉर्डेड नहीं था, ये सम में अनरिकॉर्डेड दिया था, तो दो इफेक्ट देना पड़ेगा. ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन. माया डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एंड मोटर कार. सबट्रैक्ट फ्रॉम मशीनरी एंड बिल्डिंग एंड सब पे फर्नीचर मशीन बिल्डिंग मोटर कार चारों पे डेप्रिसिएशन. हां, सबट्रैक्ट फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट. अगर मोटर कार पे देखो क्या दिया, मोटर कार इज वैल्यूड एट 17,000. इस 17,000 डेप्रिसिएशन 250 इज डेप्रिसिएशन. ओके, 17,000 से मत कर देना, जीरो हो जाएगी बेचारी मोटर कार एक साल. देन फैक्ट्री रेंट वाज पेड अप टू नवंबर ओनली. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कशिश? फैक्ट्री रेंट वाज पेड अप टू नवंबर ओनली. इट्स आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 month. वेरी गुड. कैन यू ऑल सी दैट? डिसंबर एंडिंग है, नवंबर तक पे किया. ऊपर दिख रहा है फैक्ट्री रेंट कितना है? फैक्ट्री रेंट 11,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स अकॉर्डिंग टू यू? 11 मंथ्स. नवंबर तक पे किया है ना, तो 1 month का आउटस्टैंडिंग है. कितना होगा 1 month का? 1,000. 11 months का 11,000, per month 1,000, तो 1,000 is outstanding. What are the two effects, Kashish? Add to rent and add to liability. Add to rent and liabilities. Perfect. Next, Jia Savla, goods distributed as free samples 900. So, P&L debit. Yes. And then assets miss a minus. Are. Assets. Goods ja raha hai. Goods distributed as free samples. Anyone? Trading credit and P&L debit. Goods distributed as free sample. Purchase में से less करना है. Goods मतलब purchase में से less. Purchase में से less करने के बदले trading credit. Direct expense कम होता है, indirect expense बढ़ता है. कहीं पर भी goods जा रहा है, loss by fire हो, loss by flood हो, sample हो, charity हो, trading credit तो है ही ना, और P&L debit. ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल में से लेस, यहाँ पे एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट. तो ट्रेडिंग क्रेडिट एंड पीएनएल डेबिट. ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट. एडवर्टाइजमेंट में ऐड, ऊपर एडवर्टाइजमेंट है उसमें ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट वन दिशिता. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आर 500 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 1% ऑन डेटर्स. इन द फॉर्मूला एंड इन डेटर्स. फॉर्मूला में बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी. एंड डेटर्स में क्या प्लस की माइनस? माइनस पहले क्या करना है? प्लस एनआरडीडी माइनस एफबीडी. बोथ माइनस. बोथ माइनस. उसमें पहले क्या माइनस करना है?
एफबीडी पहले एफबीडी और फिर एनआईडीडी ऑल 21 एडजस्टमेंट वन टाइम बोथ ऑफ यू सो दैट टोल्ड राइट ओनली नो अरे यार ओके पढ़ो लिखो पढ़ो जिया सावला एंड इशिता ऑल एडजस्टमेंट्स 21 वन टाइम ये सब में आपका फॉर्मूला मेरे को डाउटफुल लग रहा है कि डेबिट में आएगा क्रेडिट में आने वाला है फॉर्मूला ओके विल चेक इट वो आता था ना नेगेटिव आंसर इन द आउटर कॉलम ओ आर डी डी वाला वो वाला सिचुएशन है यहाँ पे विल सी दैट किरण शाह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PNL debit and current credit, okay? And charge at 6% on drawings. Nishi, 2FX. Interest on drawings. PNL credit and current debit. PNL credit and current debit, okay? Is there any hidden adjustment in the sum? Bank loan. So go to bank loan. ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बना लो वर्किंग नोट सब लोग हिडन एडजस्टमेंट का ट्रेडिंग के नीचे आई एम शोइंग दिस वर्किंग नोट नंबर 1 12% बैंक लोन व्हाट इज द डेट ऑफ बैंक लोन 1/7/16 अमाउंट इज 9000 व्हाट आर द 3 स्टेप्स यू फॉलो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको 9000 पे 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स थिंक व्हाई 6 मंथ्स ऑल ऑफ यू गॉट दैट जुलाई 1st को लिया हुआ लोन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दैट कम्स टू 6 मंथ्स सो 12 9 108 का आधा 540 रुपीज आ रहा है ये सेकंड स्टेप चेक हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट Have you paid any interest? No. Interest paid is nil. What is the third step? Compare. Pay karna tha 540. Kuch bhi pay nahi kiya to pura ka pura kya ho gaya? Outstanding interest. What are the two effects, Priyansh Dedia, outstanding interest? Add to the loan and PNL debit. PNL debit, add to interest. Interest hota to add karte, varna directly likh dena hai. Add to loan liability. PNL debit and liability mein add to loan. PNL debit and liability add to loan. Is that clear? Give the dots now. One dot on creditor, two dots on machine. Why two dots on machine? Unrecorded depreciation. Unrecorded bhi aur depreciation bhi hai. Pehle kya karna hai? Unrecorded. Okay, depreciation. डेप्रिसिएशन भी अलग अलग होगा डेट दिया उसके हिसाब से तो मशीन पे दो डॉट क्रेडिटर पे एक डॉट फर्नीचर पे एक डॉट बिल्डिंग पे एक डॉट मोटर कार पे एक डॉट फर्नीचर बिल्डिंग मोटर कार वन वन डॉट ईच फर्नीचर बिल्डिंग मोटर कार वन वन डॉट ईच फैक्ट्री रेंट वन डॉट Debtors two dots. Advertisement one dot. Debtors two dots. Advertisement. Why advertisement per dot? Goods distributed as samples. Got it? Advertisement per dot. Debtors per two dot. And bank loan per dot. Bank loan per dot. I'll repeat the dots. One dot on creditor, two on machinery, one on furniture, one on building, one on motor car, one on factory rent, two dots on debtors, one dot on advertisement, and one dot on bank loan. Two on debtor, one on advertisement, one on bank loan. Okay. That's it. Teen sum ka draw karke rakhna. We are stopping at this point. We'll solve the sum in the next lecture. Okay. Doubts hai to ruko, otherwise you can leave. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. और बीओवी ना पेपर कर रहे आप सो आज शाम को अंडा फूटेगा सर थैंक यू सर बाय सर सर व्हाट इज जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व इज योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूजुअली क्या होता है हमारा ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना ये हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा कैपिटल में ऐड कर देते हैं बराबर अभी कोई बिजनेस क्या करेगा ये 9137 है ना
इसमें से 2000 रुपया काट लेगा अलग, ऐसा इधर लिखेगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2000, और फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7137, 7137 आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे और 2000 रुपया आप जनरल रिजर्व में पीएनएल को डेबिट करोगे और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो आपने पूरा 9137 कैपिटल में ऐड नहीं किया, आपने 7137 कैपिटल में ऐड किया और 2000 सेपरेट अकाउंट में दिखाया जनरल रिजर्व में। तो कैपिटल किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है, इंटरनल लायबिलिटी है, प्रॉफिट वॉफिट सब ऐड होकर लायबिलिटी में जाता है ना, बिलोंग्स टू द ओनर। तो वैसे ही जनरल रिजर्व भी ओनर को ही बिलोंग करता है, ये जनरल रिजर्व इधर आ जाता है, ये जनरल रिजर्व इधर आ जाता है 2000। आपने कैपिटल में 9137 ऐड नहीं किया, 7137 किया, मतलब और दो अलग से जो अमाउंट है वो बिजनेस में यूज नहीं होगा। होगा होगा, लेकिन कैसा होगा, अभी ये कैपिटल के सामने जो पैसा है ना वो आपका, आप मशीन खरीद लोगे, प्रीमाइसिस खरीद लोगे, ये 50,000 रुपए का मशीन प्रीमाइसिस खरीद लोगे आप। बट ये जो जनरल रिजर्व में पड़ा है ना 2000, ये पैसा से आप कोई एसेट वैसेट नहीं खरीदोगे, जनरली उसको कैश फॉर्म में रहने दोगे आप, कैश या फिर वेरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कभी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी इमरजेंसी, कहीं किसी क्रेडिटर को ज्यादा पैसा देना पड़ जाए, टाइम से पहले देना पड़ जाए, या कोई लॉस हो जाए बिजनेस में, या मंदी आ जाए कुछ, या वर्कर को एडवांस देने की जरूरत पड़ जाए, कोई भी कंटिजेंसी आ जाए, कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत पड़ जाए एक्सीडेंट के केस में, तो उधर आप फटाफट पैसा दे सकते हो। अगर आप वो पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे एसेट में, तो इमरजेंसी के टाइम पे एसेट थोड़ी बेचने जाओगे आप, यू कैन नॉट गो एंड रन टू सेल योर एसेट्स, राइट? सो जनरल रिजर्व का पैसा कैश फॉर्म में रखा जाता है। सर, एज वी राइट बिल्स रिसीवेबल इन एसेट साइड, सो व्हाई डोंट वी राइट इंटरेस्ट रिसीवेबल आल्सो इन एसेट साइड, बिकॉज़ इट इज आल्सो इन एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट में ही तो दिखाते हो, पीएनएल क्रेडिट में दिखाते हो। अरे सेकंड इफेक्ट, इन पूरा एडजस्टमेंट है ना अनरिकॉर्डेड, बिल्स रिसीवेबल तो रिकॉर्डेड है, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ा और एसेट। बाय सर, लायबिलिटी बैलेंस में तो खाली एसेट, ठीक है। यस पलक, सर इफ योर इट वुड बी गिविंग अ न्यू मशीनरी परचेस फॉर कैश, देन द टू इफेक्ट्स वुड बी प्लस इन मशीनरी एंड माइनस फ्रॉम कैश। यस, अनरिकॉर्डेड होना चाहिए वो वर्ड, या इन एडजस्टमेंट, हां नहीं एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड, हां लास्ट सम में डायरेक्टली दिया था तो पीस ऑफ इन्फो था, अनरिकॉर्डेड दिया है ना और कैश परचेस दिया तो ऐड टू मशीन एंड लेस फ्रॉम कैश, बराबर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यस सुदेश, एक बार करंट अकाउंट समझाना, करंट अकाउंट को कैसे क्लोज करने का? क्लोज जस्ट लाइक कैपिटल, ये देखो क्रेडिट माइनस डेबिट, ये हमने प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को डाला करंट में, फिर कैपिटल कैसे बंद करते हो, क्रेडिट माइनस डेबिट, वही किया, जो साइड बड़ा है उसको, छोटा वाला साइड को बड़े वाले साइड में से माइनस करो, बैलेंस है तो लिख दो नीचे। करंट में क्या है, क्या अभी ये जो कैपिटल है ना, शुरू में 50-50 डाला था वो फिक्स रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, फिर पहला साल करंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, फर्स्ट ईयर करंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, फिर क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट कम आएगा तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आएगा, तो खाली प्रॉफिट की एंट्री है क्रेडिट साइड, तो पहले साल क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट बड़ा हो गया और वो जाएगा लायबिलिटी में, वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, एंड देयर फ्रॉम देयर द साइकिल विल कंटिन्यू। फिर जो प्रॉफिट सैलरी आता है क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स आता है डेबिट साइड, प्रॉफिट सैलरी क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, प्रॉफिट सैलरी क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, एंड फिर माइनस करके जो आता है वो क्लोजिंग बैलेंस, दैट विल गो टू लायबिलिटी। क्लोजर इज सेम, जो बैलेंस आएगा वो करंट में पार्टनर्स करंटली के अलग बताने का बस और उसमें डायरेक्ट कैपिटल बता देते थे। हां, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डायरेक्टली कैपिटल में चेंजेस करते थे। इधर आपको अभी पता चलेगा कि आपने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया था, 30 और 20 से, और उसके ऊपर सालों में कितना कमा लिया आपने, 13782 एंड 10255 इंडिविजुअल, बोथ द डेटा आर अवेलेबल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वी डिवाइड करंट एंड कैपिटल इनटू टू। बाय सर, थैंक यू, आई टेक केयर। यस जिया, हां जिया, थैंक यू, यू वेटेड, अभी तुम बंद करोगी ना